अरे रामू मेरी बात तो समझने की कोशिश तो कर। हरामजादे चुपचाप मेरी बात सुन, पीरियड सिर्फ लड़कियों को होता है और जो तुझे हुआ है वो बवासीर है। दिखा दे मेरा पैर। रामू जी मालकिन इधर आ रहे। जी मालकिन आया। जी मालकिन बताइए कैसे आ रहा है, चढ़ी जाएगा क्या? मालकिन चल नहीं रहा था, बताइए। जा जाके मॉल से जाके एक रिफंड की कट्टिया ले। मालकिन मुझे मॉल ना भेजा करो, मैं दुकान से ले आता हूँ, बगल में किराने की दुकान है तो। क्यों रे तुझे मॉल ना भेजा करो, दुकान भेज दिया करो। अब मालकिन देखो यहाँ किराने की दुकान में ये बेचारा लेके रहता है कि ग्राहक दे होता है, पैसा लगता है कि मैं ही देता हूँ। मालकिन वहाँ मॉल जाओ तो वो साले लेके रहते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में, तो ऐसा लगता है कि साला मैं कोई चोर हूँ। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ मॉल। अरे यहाँ जाओ तो मैं इज्जत लगती है, बेचारा लेके ग्राहक दे होता है। मुझे पहले सुना था, मैंने आज देख भी लिया कि तू गंवार है। तुझे जहाँ से लाना हो तो ले जाके, मेरा दिमाग ना खा, चल जा। हाँ ठीक है जा रहा हूँ। ऐसा ही देंगी? मैं ऑनलाइन कर दूंगी, क्यूआर भेज देना। अच्छा ठीक है, तो आप उसी को दे दिया करो। राम ज्यादा जितना काम के लिए बोला करो उतना किया कर, जाके ले ले, तेरे भाई खत्म हो गया है। क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों बैठे हो, रो क्यों रहे हो? अरे बेबी क्या बताऊं, अभी तीनों बच्चों को स्कूल से एडमिशन करवा के आ रहा हूं। 2 लाख रुपए लगे एडमिशन में, प्लस 1.5 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ा, गाड़ पड़ गई पूरी कमाई की। बेबी आपको याद है जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी सुहागरात पे खूब मिठाई बटी थी? हाँ तो। जब हमारा पहला बच्चा हुआ था तो खूब मिठाई बटी थी? हाँ तो। जब हमारा दूसरा बच्चा हुआ था तो खूब मिठाई बटी थी? अरे तो क्या मिठाई बटी थी तो क्या? बेबी आपको याद है जब हमारा तीसरा बच्चा हुआ था तो खूब मिठाई बटी थी? अरे यार मिठाई बटी थी तो क्या हुआ? जब मेरी फटी थी तो खूब मिठाई बटी थी, अब जब तुम्हारी फटी है तो रो रहे हो। क्यों रे रामू, क्या देख रहा था उसके फोन में? कुछ नहीं मालकिन। नहीं कुछ तो देख रहा था। अरे मालकिन वो स्कूल की बात है, थोड़ा देख रहे थे। स्कूल की बात है, क्या देख रहा था? मालकिन आपको याद होगा स्कूल में हमको एक्स 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 का मतलब रोमन संख्या सिखाई जाती थी। हाँ तो वही मैंने गूगल में डाल के देखा तो रोमन तो छेद पेल रहा है, कहीं छेद चाट रहा है। यही देखते रहता है पड़े पड़े दिन भर। वो रोमन संख्या को मैंने डाल के देखा तो ऐसा आ गया। काम पे ध्यान दे रही है ना तू, कल ध्यान मत जाना डर। निकल यहाँ से। मालकिन देख ले जा जा, बाद में आना। रामो। जी मालकिन। मैंने एक लड़की से बात की है, वो तेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी है, तेरी जिंदगी खुशियों से भर देगी। मालकिन हाँ? मुझे खुशी देने वाली नहीं, खुशी खुशी देने वाली चाहिए। राम जादे इसीलिए तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, ऐसे रडुआ मरेगा जिंदगी भर। खुशी खुशी देने वाली चाहिए, मारता रहे मुट्ठी, चल निकल लड़ते। भाई अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दो कि खाना वाना बनाना सीख लो, सिर्फ घोड़ी बन जाने से काम नहीं चलेगा। चूतिया है साला, सही बात बोलो तो थप्पड़ मार रहा है। क्या हुआ रे रामू, इसे क्यों लटका बैठा रे? कुछ नहीं मालकिन। मालकिन मुझे लग रहा है कि मैं इस जन्म में लिपस्टिक का स्वाद भी नहीं जान पाऊंगा कि कड़वी होती है कि मीठी। क्या मतलब है तेरा? मालकिन एक बार चटवा दीजिए होंठों से। हम जल्द तेरी औकात है, अपना थोपड़ा देखा है? रामू भाई कोई शायरी सुना दो। क्या शायरी सुनवा दूं, दोनों गाल लाल किए हैं। अच्छा चल ठीक है, मेरे दोस्त मेरी दोस्ती का बस इतना सिला देना, मेरी दोस्ती का बस इतना सिला देना, सुबह दोपहर शाम मेरा पकड़ के हिला देना। आराम जादे काट के फेंक दो इसका, हिला देना।
यही लगता है। अरे मालकिन, ये आप क्या कर रही हो? तेरा तबला बजा रही हूँ। तबला बजा रही हूँ तो फिर ये लो लगे हाथ बांसुरी भी बजा दीजिए। ये लीजिए। आराम ज्यादा जुबान संभाल के बोला कर। तेरी इतनी औकात, और जाके जल्दी से घर का काम पड़ा है सब। दीपावली आ रही हो, इधर फंसना पड़ा है। शर्म नहीं आया करती क्या तुझे? शर्म क्या, अभी पूरा काम करके आया हूँ, घर का थोड़ा देर आराम भी नहीं कर सकता क्या? तो ऐसे कौन आराम करता है, छोड़ो ऊपर करके। मुझे ऐसे नींद आती है। उठ जा, जाके काम कर ले जाके। तबला बजा रही, बांसुरी भी बजा देती। क्या हुआ रे रामू, क्या है सोच रहा है? मालकिन, मैं ये सोच रहा था कि कुदरत भी फटी हुई चीजों का कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल करती है। जैसे? जैसे कि जब बादल फटते हैं तो तेज बारिश हो जाती है। हाँ? दूध फटता है तो पनीर बन जाता है। बिल्कुल। वैसे ही कंदोन फटता है तो बच्चा पैदा हो जाता है। इसीलिए जब भी आपकी गांड फटे तो समझ जाइए कि कुदरत आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज में करना चाहती है। तेरे दिमाग में सब कुछ आता कहाँ से रे? मालकिन, मैं तो बता रहा हूँ कि जब भी आपकी गांड फटे तो परेशान मत होइए, प्रसन्न हो जाइए कि कुछ बड़ा होने वाला है ना? मेरी क्यों फटे? तेरी फट जाए। राम जाते।